यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भक्ति वचन पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपने परमेश्वर के वचन को जानने और सीखने के लिए समय निकाला, आपको बहुत आशीष मिले। आज से हम रोमियो की पुस्तक का अपना असली अध्ययन शुरू कर रहे हैं। कल तो भूमिका थी, आज हम पहले अध्याय की 1 से 7 तक की पंक्तियों पर नजर डालेंगे। आपको याद होगा कि कल की चर्चा में हमने बात की थी कि यह किताब एक इतिहास बदलने वाली किताब है, और आज से हम देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर इतिहास को बदलते हैं, कैसे उन्होंने इतिहास को बदला है, कैसे वह आपके जीवन को बदलते हैं, कैसे विश्वासियों के जीवन में परिवर्तन आता है। मैं आपको अब पहले अध्याय के 1 से 7 आयतों को पढ़कर सुनाता हूं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पौलुस के इस सरल से परिचय और अभिवादन से हमारे लिए सीखने और समझने के लिए क्या है। तो सुनिए, रोमियो पहला अध्याय 1 से 7 आयत। पौलुस अपना परिचय देते हुए कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब हम रोमियो की इन प्रारंभिक आयतों को देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि यह पंक्तियां पौलुस के लिए बहुत ही निजी हैं, व्यक्तिगत हैं। सवाल यह है कि आप जो करते हैं क्यों करते हैं। पौलुस यहां पर अपनी प्रेरणाओं का वर्णन कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसका कारण क्या है। कुछ लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, मेरे हिसाब से अधिकतर लोग हम लोग स्वार्थ से ही प्रेरित होते हैं। कोई भी काम करे, चाहे वह अच्छा काम ही क्यों ना हो, बहुत बढ़िया और आदर्श ही क्यों ना हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। फिर कुछ लोगों को कुछ करने की प्रेरणा उनकी परिस्थितियों से होती है या कोई समस्या। उन्हें हर समय लगता है कि वे समस्या और परिस्थिति का शिकार हैं। जो वह कर रहे हैं वह करना तो नहीं चाहते, पर परिस्थिति उन्हें करने के लिए मजबूर कर रही है। अब दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दूसरों की राय का बहुत प्रभाव होता है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनके सारे निर्णय इसी बात के ऊपर निर्धारित होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उसके उपरांत प्रेरित पौलुस जैसे कुछ लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग, जो अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को महसूस करते हैं, और वे लोग अपने जीवन में इस बुलाहट को सतर्कता से पूरा भी करते हैं। यह बुलाहट, कॉलिंग, उनके जीवन की प्रेरणा होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक उद्देश्य हो, प्रेरणा हो, मोटिवेशन। पर इन पंक्तियों में रोचक यह है कि पौलुस यहां प्रेरणा किया मोटिवेशन पर उतना जोर नहीं दे रहा, पर वह परमेश्वर द्वारा उसके बुलाए जाने की बात कह रहा है। हमें समझना चाहिए कि कुछ भी करने की मोटिवेशन अंदर से उत्पन्न होती है। हम कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं, परंतु बुलाहट बाहर से आती है, परमेश्वर की ओर से। और जब भी हम परमेश्वर के बुलावे का जवाब देते हैं तो इतिहास में आंदोलनकारी प्रभाव आता है, बदलाव आता है। जब भी कोई परमेश्वर के बुलावे का अनुसरण करता है तो इतिहास बदल जाता है। पुराने नियम में अगर देखें हम लोग, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसने उसका उत्तर दिया, जिससे इतिहास बदला। इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसने जवाब दिया, जिससे उसके लोगों को आजादी मिली। परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की इस बुलाहट को स्वीकार किया, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। और यही पैटर्न हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। जब पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया और उसने हाँ कहा तो इतिहास बदल गया। हमारे जीवन में परमेश्वर का बुलावा ही हमें वो जुनून, वो ऊर्जा देता है जो हमें इस बात के लिए सक्षम बनाता है कि हम वह करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम अपनी बुलाहट के बिना जीवन जीते हैं तो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी तरह से अपनी ही ऊर्जा पे, अपनी ही शक्ति के ऊपर निर्भर होते हैं, और हमारी खुद की शक्ति,
हमारी खुद की ताकत हमेशा सीमित होती है। कई बार हम चाहते तो हैं एक अच्छा जीवन जीना, वह करना जो परमेश्वर चाहता है। हमारा एक सपना होता है, पर हम अपने सपने और परमेश्वर की योजना को पूरा करने की कोशिश खुद की ही चेष्टा से करते हैं और फिर थक जाते हैं। अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। पर जब हमें इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए बुलाया है, तो हम यह समझ जाते हैं कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर है जो हमें, जिसने हमें बुलाया है। हमारे जीवन में उसकी इच्छा को जीने के लिए वो हमारी अगुवाही कर रहा है। जब हम रोमियो की पुस्तक के इन प्रारंभिक पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने की अंतर्निहित वास्तविकता समझ में आती है। और उस अपने इन प्रारंभिक पंक्तियों में अपनी बुलाहट के चार विशिष्ट पहलुओं पर प्रकाश डालता है। वह बात करता है एक दास होने के बारे में, परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए अलग किए जाने के बारे में, परमेश्वर के बुलावे के संकेत के रूप में विशेष रूप से प्रेम किए जाने के बारे में बात करता है। वह पवित्र जन होने के सार्वभौमिक बुलाहट के बारे में, यूनिवर्सल कॉलिंग के बारे में। बुलाहट के इन चार पहलुओं को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, पहली पंक्ति में पत्र के शुरू में पौलुस अपना परिचय इस प्रकार देता है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। सबसे पहले वह दास है और फिर वह प्रेरित। देखिए, प्रेरिताई यह एक तरह का एक पद है, पोजीशन, जिस काम के लिए पौलुस को बुलाया गया। पर असली बुलाहट जो है वह दास की, दास होने की, यीशु मसीह का दास होने की। जब आप ऑफिस में कहीं काम करने जाते हैं तो आपकी एक पोजीशन होती है, एक डेजिग्नेशन होती है, पर आप वहां पे नौकरी कर रहे हैं, आप सर्वेंट हैं। पौलुस की बुलाहट थी यीशु मसीह का दास होने की। हम सभी सेवा उदारता के जीवन के महत्व को जानते हैं। कई लोग हैं जो सेवा के लिए अपने जीवन को दे देते हैं, पर दास होना अलग बात है। दास वह होता है जिसके लिए उसकी खुद की इच्छा, उसकी खुद की योजना कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए उसके स्वामी की, उसके प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। पर यहां एक और बात है, यह दास अपनी इच्छा से दास बना, जोर जबरदस्ती से नहीं। रोमी शासन के समय बहुत सारे बंधुआ दास थे, करीब आधी जनसंख्या ऐसे ही दासों से बनी हुई थी। परंतु यहूदियों में पुराने नियम में एक प्रावधान था कि कोई आपका दास है भी, क्योंकि वह आपका ऋण नहीं चुका पाया शायद से, या आपने उसे खरीदा भी हो, तो भी जुबली के साल में, जो हर सातवां साल हुआ करता था, उसे जुबली का वर्ष कहा जाता था, आपको उस दास को आजाद करना पड़ता था। पर अगर इस बीच दास को अपने स्वामी से प्रेम हो जाए और वह उसे छोड़कर न जाना चाहे, तो अपनी इच्छा से वो उसका दास बनकर रह सकता है। और ऐसा तभी होता जब स्वामी प्यार करने वाला, दयालु और भला व्यक्ति होता। पौलुस खुद को यीशु मसीह का ऐसा ही दास बता रहा है। पौलुस यीशु मसीह से प्रेम करता है क्योंकि यीशु ने पहले उससे प्रेम किया, और इस प्रेम के कारण वह यीशु मसीह का दास है, और इसलिए यीशु मसीह का आज्ञाकारी है, और इस दास को प्रेरिताई का काम सौंपा गया है। और जब भी किसी को भी कोई काम का दायित्व दिया जाता है, तो उस काम को करने की आधिकारिक सामर्थ भी उसे दी जाती है। पौलुस में हम इस बात को स्वीकारने की विनम्रता देखते हैं कि वह दास है, यानी यीशु के प्रभुत्व में है, पर साथ में उसके पास अधिकार भी है प्रेरित का। जो यीशु मसीह का दास होने के नाते और जो काम उसे सौंपा गया है उसके नाते उसे दिया गया है। और यह दोहरा आयाम हमारे जीवन के लिए भी सत्य है। जब हम अपने उस अधिकार को समझते हैं जो यीशु ने हमें अपने काम को करने के लिए दिया है, और उस अधिकार के स्रोत को समझते हैं जो यीशु ही है, तब हमें परमेश्वर की बुलाहट की समझ और उसके लिए जुनून और ऊर्जा मिलती है। तो पहला है, आपको बुलाया गया है यीशु मसीह का दास होने के लिए, प्रेम के चलते, उसके अनुग्रह के चलते, दया के चलते। अब जिस काम के लिए आपको बुलाया है उसका अधिकार भी वह आपको देगा। दूसरी बात वह कहता है पहली पंक्ति में कि वह केवल दास ही नहीं है, उसे अलग किया गया है
परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। यह उसकी बुलाहट का उद्देश्य था। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने आपसे हर किसी को अलग किया है, हर कोई अलग किया गया है। आपके जीवन में एक विशेष बुलाहट, एक विशेष कॉलिंग है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप इस जगत में कुछ अंतर पैदा करें, एक प्रभाव डालें। अब आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है वह पौलुस से भिन्न होगा, दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति से अलग होगा, मुझसे अलग होगा। परमेश्वर ने आपको अलग किया है एक विशेष काम के लिए जो केवल आप ही कर सकते हैं और एक विशिष्ट तरह से प्रभाव डाल सकते हैं इतिहास पर। सबका सम्मान, सबका एक सामान्य बुलावा है, जनरल कॉलिंग दास बनने की। पर किस काम के लिए आपको अलग किया गया है, यह यीशु के अनुग्रह के द्वारा विशेष बुलाहट है, स्पेशल कॉलिंग। और पौलुस इस बात पर भी जोर देता है कि वह केवल दास ही नहीं है, केवल अलग ही नहीं किया गया, वह परमेश्वर का प्यारा भी है। हम सब परमेश्वर के प्यारे हैं। सातवीं आयात में पौलुस कहता है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। वह रोम के किसी विशेष व्यक्ति को यह पत्र नहीं लिख रहा था, वह समस्त विश्वासियों को लिख रहा था। आप परमेश्वर के प्यारे हो, इसीलिए बुलाए गए हो। पौलुस यहां इस बुलाहट के पीछे रिश्ते पर जोर देता है। देखिए, कुछ करने की आज्ञा आप एक सेवक को भी दे सकते हो और अपने संतान को भी, अपने बेटी या बेटी को भी। फर्क क्या है दोनों में? रिश्ता। सेवक के लिए वह केवल एक काम है, पर संतान के लिए वह प्रेम है। हम यीशु मसीह के दास इसलिए है क्योंकि हम उसके प्यारे हैं, और क्योंकि हम उसके प्यारे हैं उसने हमारे उद्धार के लिए, उसने मनुष्य बनकर अपने प्राण दिए। हमें उसका विशेष प्रेम मिला है और यह प्रेम भरा रिश्ता हमारे बुलावे का अटूट अंग है। और फिर पौलुस जो याद दिलाता है, आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए। पवित्र का अर्थ है अलग किया हुआ, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। इस शब्द का अनुवाद संत भी हो सकता है। हम सोचते हैं कुछ विशेष व्यक्ति ही संत हैं, नहीं। बाइबल के अनुसार संत होना, सेंट, पवित्र जन होना हर एक यीशु विश्वासी की बुलाहट का हिस्सा है। आप संत हो, अब आप संत हो, परमेश्वर के पवित्र जन हो, इसलिए नहीं कि आप बहुत पाक या शुद्ध इंसान हो, नहीं, पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र घोषित किया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको शुद्ध कर पवित्र घोषित किया है। यीशु ने हमारे पाप, हमारी नपाकी की सजा भुगत ली, इसलिए आप संत हो, मैं संत हूं। परमेश्वर ने हमें संत, परमेश्वर हमें संत के रूप में देखते हैं, और क्योंकि वह संत के रूप में देखते हैं, हमारे पास एक विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है संत की तरह जीवन जीने का। असली बुलाहट के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को उस पवित्रता के साथ जिए, एक संत की तरह, जिसकी घोषणा परमेश्वर पिता ने हमारे लिए यीशु मसीह में प्रेम में कर दी है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के कारण वह पहले से ही हमसे प्रसन्न है। हमारा काम है तो बस इतना कि हम वह जीवन जिए जिसके लिए उसने हमें यीशु मसीह में रचा है। हमारे बुलावे का सही अर्थ, सही सार यही है। आप पवित्र हैं, आप संत हैं, यह आपकी पहचान है, और इस पहचान को जिए। आप कुछ क्षण प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पहचानिए और उसे स्वीकारिए। अपनी बुलाहट के लिए प्रार्थना करिए, कहिए, यीशु मैं तेरी बुलाहट को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बुलाहट के रूप में स्वीकारता हूं। इतनी सारी आवाजें हैं, इतने सारे लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं मुझसे, पर इन सबके मध्य में जानता हूं कि तुमसे ज्यादा मुझसे और कोई प्यार नहीं करता। और मैं प्रार्थना करता हूं जो मुझे अभी सुन रहा है, वो भाई या बहन, अगर उसे तेरे द्वारा दी हुई बुलावे का एहसास है तो उसमें उसे आगे बढ़ने में मदद कर। पर अगर उसे अभी यह नहीं पता कि उसकी बुलाहट क्या है, तो किस लिए उसे बुलाया है, तो उसे समझने और जानने और स्वीकारने में उसे मदद कर। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगली कड़ी में हम रोमियो 1:8-17 आयातों पर ध्यान लगाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।